अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रेडर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन और रिव्यू करेंगे वो लिंक्सिस कंपनी का राउटर है। लिंक्सिस कंपनी के इस राउटर का मॉडल है EA6900। लिंक्सिस कंपनी का ये राउटर AC1900 की स्पीड के साथ दो फ्रिक्वेंसियों पर आपको सिग्नल फराहम करता है। ड्यूल बैंड राउटर है जो कि 2.4 GHz और 5 GHz दोनों पर आपको सिग्नल फराहम करता है। लिंक्सिस कंपनी के इस मॉडल की 2.4 GHz पर 600 MB पर सेकंड स्पीड है, जबकि 5 GHz पर यह 1300 MB पर सेकंड स्पीड देता है। 2.4 GHz पर आप वेब ब्राउजिंग, ईमेल जैसे कम डेटा वाले काम कर सकते हैं, जबकि तेज तरीन इंटरनेट के लिए आपको 5 GHz की फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, जैसा कि आप HD मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी फाइलों को मुंतकिल कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं। इस राउटर में 4 GB की लैन पोर्ट दी गई है, इसके अलावा 1 GB की इसमें वैन पोर्ट भी है। इस राउटर में दो USB स्लॉट दी गई हैं जो कि 2.0 और 3.0 की हैं। लिंक्सिस कंपनी के इस राउटर में 800 MHz का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वाईफाई के सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इस राउटर पे 3 एंटीने दिए गए हैं। इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाते हैं। दोस्तों, हम आगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, यहाँ पे अपने राउटर का डिफ़ॉल्ट IP लगाएंगे जो कि 192.168.1.1 है। राउटर का मेन पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइस लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी डिवाइसेस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट होंगी वो सामने आ जाएंगी। गेस्ट नेटवर्क है यहाँ पे, जब हम इसका गेस्ट नेटवर्क बनाएंगे तब जो गेस्ट नेटवर्क के साथ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो भी यहाँ पर सामने आ जाएंगी। यहाँ पर हम गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गेस्ट नेटवर्क के लिए हम 2.4 GHz का वाईफाई नाम और उसका वाईफाई का पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे 5 GHz का नाम लिखेंगे। इन दोनों का गेस्ट नेटवर्क का पासवर्ड सेम होगा, यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देंगे और नीचे टोटल तादाद लिख देंगे कि हमें कितने गेस्ट नेटवर्क बनाने हैं, कितने लोगों के लिए गेस्ट नेटवर्क हमें चाहिए, वो यहाँ पे हम 5, 10, 15, 20 जितने भी लोगों के लिए चाहिए होगा यहाँ से मेंशन कर देंगे। इसको ओके करेंगे तो हमारी सेटिंग सेफ हो जाएगी। कंट्रोल की ऑप्शन है यहाँ पे, इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो भी डिवाइस को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेवर, ऑलवेज और टाइम ऐड कर देंगे और इसको हम ओके कर देंगे तो हमारे पास ये सेटिंग ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक सेट की ऑप्शन है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे देंगे, वो साइट हमारे राउटर से सर्च नहीं होगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने जितनी डिवाइसेस होंगी उनको हम स्पीड दे सकते हैं, स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप है, इसको उठाकर यहाँ पे लगा देंगे, और अगर किसी गेम को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे गेम, काफ़ी सारी गेम के नाम भी दिए गए हैं, ऐड अ न्यू गेम भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को रीसेट भी किया जा सकता है, इसकी मज़ीद सेटिंग्स भी हैं, यहाँ से हम उसकी मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं, बैंडविड्थ को मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी हमारे सामने, यहाँ पे नई वेबसाइट खुल गई है, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्पीड टेस्ट आ जाएगी जो भी हमारे कनेक्शन की होगी। एक्सटर्नल स्टोरेज की ऑप्शन है, मीडिया सर्वर है हमारे सामने, फोल्डर एक्सेस है, तो USB के ज़रिए अगर हम यहाँ पर कोई प्रिंटर वगैरह भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से हम सेटिंग उसकी कर सकते हैं। राउटर सेटिंग है, राउटर सेटिंग में सबसे पहले कनेक्टिविटी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कनेक्टिविटी में बेसिक सेटिंग है, नेटवर्क नेम एंड पासवर्ड है, इसको हम यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ पे 2.4 GHz का नेटवर्क नाम, वाईफाई का नाम चेंज कर लेंगे, इसका पासवर्ड लगा देंगे। नीचे 5 GHz का नाम है वो चेंज करेंगे, नीचे इसका पासवर्ड लगा देंगे। राउटर पासवर्ड की ऑप्शन भी यहाँ पर है, यहाँ पर एडिट करेंगे, एडमिन वाला पासवर्ड हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहीं पे हमारे सामने चेक अपडेट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे राउटर का फ्रेमवेयर चेक हो जाएगा ऑनलाइन, नो अपडेट फाउंड, तो हमारा फ्रेमवेयर अप टू डेट है। इसके अलावा अगर हम अपने फ्रेमवेयर की फाइल को डाउनलोड कर अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है, यहाँ पे चूज़ अ फाइल पर क्लिक करेंगे, लोकेशन देंगे और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। टाइम जोन की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपनी कंट्री के हिसाब से रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। एक्टिव लाइट्स की ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको क्लिक करके अपने राउटर की लाइट्स को सॉफ्टवेयर के जरिए ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट की सेटिंग्स है, यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, इसको एडिट करेंगे। यहाँ से DHCP मोड शो हो रहा है, इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास PPP की ऑप्शन भी आ जाएगी। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे, इसको अप्लाई सेव करेंगे तो हमारा PPP का अकाउंट डायल हो जाएगा। लोकल नेटवर्क पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने राउटर का नाम आ जाएगा, इसको चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा आप IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। वायरलेस सेटिंग है, यहाँ पे वायरलेस सेटिंग में 2.4 GHz की वाईफाई सेटिंग्स हैं, यहाँ पे नाम और पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, सिक्योरिटी मोड को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा नेटवर्क मोड है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चैनल की तादाद है, यहाँ पे चैनल विड्थ है, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे 5 GHz की है,
5 GHz के चैनल की तादाद इस राउटर में 165 है। 165 चैनल से मुराद है कि आपकी 5 GHz की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सब पे इस राउटर के 5 GHz के सिग्नल शो होंगे और वो इजीली इस राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। सिक्योरिटी की ऑप्शन है, सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको फायरवॉल है, VPN पास थ्रू है, DMZ है, एप्स एंड गेम है, यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे राउटर की सेटिंग थी जो कि बहुत सादा और सिंपल थी। लिंक्सिस के राउटर की सेटिंग बहुत ही आसान होती है, आप इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप ये राउटर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें, हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमसे फ़ोन पर रब्ता करना चाह रहे हैं तो हर वीडियो के एंड पर हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप हमसे फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।